नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चले। फिलहाल आ चुके हैं बंगाओ गांधी मैदान पे और आज है इंडिपेंडेंस डे, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू गाइस। तो मेरा सामने देख सकते हैं रवि भाई है, हाय कर हाय। तो यहाँ पे आया था, मतलब आज इंडिपेंडेंस डे है इसलिए मतलब यहाँ पे पताका उत्तोलन किया जाता है। तो बचपन में तो आता था, मतलब स्कूल से जब क्लास 8-9 में पढ़ता था तो अभी भी देखने के लिए। तो और मेरा आज मेरा मतलब एक पार्सल भी आ रहा है, तो अभी फिलहाल जाऊँगा घर, उसका फ़ोन भी आया था, जो कि पार्सल लेते हैं क्या पार्सल है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए अभी डायरेक्ट मिलते हैं रास्ते पे, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। तो तब तक के लिए वीडियो को देखते रहे। जान मेरी ये रहे ना रहे। फिलहाल आ चुके हैं बंगाईगांव मायापुरी के सामने, अभी मायापुरी के सामने ही हूँ मतलब, तो अभी जा रहा हूँ मतलब घर। तो और अभी तक मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मतलब भूल गया था, सोच रहा था दूंगा। तो चलिए अभी दे ही देते। तो हेलो फ्रेंड्स, और एक नए वीडियो के साथ आपका अपना भाई हाजिर है। तो रवि भाई, आज का प्लानिंग क्या है? मतलब ट्री प्लांटेशन आज, मतलब इन लोग मतलब एक एनजीओ में काम करते हैं विवेकालम, तो उस एनजीओ से मतलब आज ट्री प्लांटेशन होगा। कहाँ पे होगा भाई? पगलास्तान पर ट्री प्लांटेशन होगा, तो एनजीओ का तरफ से मतलब विवेकालम। एक बार मैंने भी विवेकालम का वीडियो बनाया था फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, वो वीडियो आप लोगों ने नहीं दिया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जाके देखिए। फिलहाल आ चुका हूँ कोरियर लेने, आप लोग देख सकते हैं यही मतलब ऑर्डर किया था, तो इसका घर जाके अनबॉक्सिंग करेंगे, देखते हैं इसका बिल क्वालिटी वगैरह सब कुछ। किमान 515 ना, ये धरक जाएंगे, इसको खुल के आप लोगों को दिखाएंगे। ये पड़ा है मुझे 515। रास्ता में मिल गया राज भाई, आप लोग देख सकते हैं। हरे राम भाई है, तो इसको भी बोला जाए वीडियो कर दे। इस रास्ता से मतलब ट्राइपॉड लेके फिलहाल आ चुका हूँ घर, और रास्ते में मतलब राज भाई भी मिल गया था, तो इनसे ही बोला था मोबाइल पकड़, तू वीडियो बना, मैं मतलब ट्राइपॉड लेता हूँ। तो इसने मतलब इसे सीधा करके वीडियो बना दिया था, इसको पता नहीं था तो अच्छा से वीडियो बनाना, तो कोई बात नहीं, तो एडजस्ट कर लेना और क्या है। तो चलिए अभी डायरेक्ट ट्राइपॉड को भी अनबॉक्सिंग करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कैसा है बिल क्वालिटी सब कुछ दिखाते हैं आप लोगों को जो भी है अंदर बॉक्स के अंदर। तो चलिए अभी इसको खोलते हैं ना, तो अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये रहा ट्राइपॉड, इसका अंदर और पैकेजिंग है, इसको भी खोलते हैं। फाइनली ये रहा हमारा ट्राइपॉड, आप लोग देख सकते हैं, और इसका साथ एक माउंट मिला है मुझे। तो चलिए अभी देखते हैं कितना लंबा है। तो आप लोग देख सकते हैं इतना लंबा है, मेरे से भी लंबा है ये, मतलब 7 फीट का ट्राइपॉड है आपका, जैसा ऑर्डर किया था वैसा ही आया। यहाँ पे आपका DSLR भी लग जाएगा, इसके बाद इसे मोबाइल भी लग जाएगा वीडियोस करने के लिए। चलो बढ़िया है, ये मैं जो ऑर्डर कर दिया था राज भाई ने, इस ट्राइपॉड तो अभी आप लोगों को दिखाई दिया, और उतना ज़्यादा कुछ था नहीं, और ट्राइपॉड अच्छा खासा ही लगा, लंबाई है, मैंने सोचा था थोड़ा हाइट कम ना निकल जाए। इसका पहले भी एक ट्राइपॉड ऑर्डर किया था, वो मतलब आया जब तो छोटा ही निकल गया, वो तो हर्ष ने रिसीव किया था, हर्ष ने ऑर्डर किया था। तो अभी तक मुझे आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाइए और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो वगैरह कर सकते हैं, अच्छा लगा तो। गाइस ट्राइपॉड वगैरह अनबॉक्सिंग करने के बाद मतलब खाना उना खाया, फिर मतलब सोने ही वाला था, फिर राज भाई आया, राज भाई बोल रहा है चल थोड़ा घूम के आते हैं। तो फिलहाल निकला हूँ भाई के साथ घूमने, थोड़ा देख सकते हैं साइकिल पर हूँ, ये मतलब सुमित भाई का साइकिल है, मिड ब्लॉगर आप लोगों का, तो उसने मुझे मतलब दे के गया था भाई ठीक करा के रखना, तो मैंने ठीक करवा के रखा था, मेरा पास ही है 2 दिन से साइकिल, सोचा जे चलो आज घूम लेते हैं थोड़ा, और राज भाई ने भी बोला है, तो निकल चुका हूँ घूमने के लिए।
सकते हैं राज भाई साइकिल चला के जा रहा है और इधर से हम लोग जा रहे हैं सीधा इसी तरह घूमते हैं। तो गाइस साइकिल चलाते चलाते मतलब खाना भी हजम हो चुका है घर से जो खा के आया था और मतलब मज़ा भी आ रहा है क्योंकि बचपन में बहुत साइकिल लेके घूमता था, ये साइकिल के लिए मतलब रोता था बचपन पे, तो अभी बचपन का फील ले रहा हो। मतलब अभी तो ज़्यादा बुढ़ा हुआ नहीं है तुम्हारा भाई, अभी भी बुढ़ा होने के लिए बाकी है बहुत साल। बारिश का पानी या फिर ड्रेन होगा कुछ, और ये है हमारा ट्री गार्डन। आप लोग तो जानते ही है बंगागांव में रहते हैं ट्री गार्डन आते ही रहते हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए इस जगह को, जितना बार भी देखेंगे आप लोग दिल नहीं भरेगा। साइकिल चलाते चलाते फिलहाल आ चुके हैं चाय बागान का ब्रिज, आप लोग मेरे पीछे ब्रिज देख सकते हैं, यही है चाय बागान का ब्रिज। आप लोगों को पता ही है आप लोग बंगागांव में रहते ही है और 90% व्यूअर मेरा बंगागांव का ही है, तो आप लोगों को बार बार क्या दिखाओ। तो गाइस आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मर्जी वो कर दे। अभी पूरा मैं वीक हो चुका हूँ फिलहाल, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो कुछ बोलना चाहते हैं आकाश भैया को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जितना हो उतना शेयर कीजिए प्लीज, मतलब जितना हो उतना शेयर करें आप लोग, जिसको भी भेजना है भेजो, मुझे कुछ नहीं पता बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो चलिए टेक केयर।